जीआईडी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं सिंपल जनरल एंट्री, जहां जितने पैटर्न थे बताने थे आपको, वो सारे पैटर्न हमने आपको बता दिए हैं। अब आपकी बारी है कि क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो आप पहले से स्टार्ट करिए, 10 अप्रैल से ट्रांजेक्शन लिखना, 25 अप्रैल तक, फिर सॉल्यूशन, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन कहाँ लिखोगे, क्वेश्चन नोट्स में थोड़ी दिया हुआ है। क्वेश्चन नोट करेंगे सबसे पहले, फिर सॉल्यूशन करेंगे। क्या ठीक ठीक है, नोट करिए आप जल्दी से। एक क्वेश्चन बिना चीटिंग के आपको लिखना है और सॉल्यूशन भी करना है इसी क्लास में। ये आपका CW है क्लास पर, जल्दी करिए, कोई चीटिंग नहीं करेगा। अपने अपनी कॉपी में देखें, डिस्कस ना करें, उससे बातें करें, जो भी है। लास्ट वाला कर लेंगे तो आपको मैं तुरंत पेटीएम कर दूंगा, 10 रुपए, कुछ चॉकलेट खा लेंगे। क्या 10 रुपए में पानी पूरी आ रही है पंखे। ठीक ठीक बताइए, लास्ट क्वेश्चन करिए, नहीं कर पाएंगे तो आपको मुझे करना होगा सबको। मैं कैश भी ले सकता हूँ। चलिए ठीक हो गया आप लोग का ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। मैंने कहा, अभी भी बता दे रहा हूँ, पहली चीज, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल की जनरेशन में बहुत ज्यादा कॉमन है, इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप उसे डरिए या भड़किए मत, क्योंकि वो सिर्फ एक लैंग्वेज है और कुछ नहीं। और याद रखिएगा, आप किसी भी कंट्री में विजिट क्यों ना करें, हर कंट्री हर स्टेट का एक अपना लोकल लैंग्वेज है, लेकिन एडिशनली एक लैंग्वेज है जो कॉमन है सब में, वो है इंग्लिश। कहीं भी किसी भी देश में चले गए, वहां अपनी लैंग्वेज बात करें नहीं समझ आ रहा है, आप इंग्लिश यूज करिए, इंग्लिश सबकी है, लगभग सिमिलर। और इंग्लिश आएगी तभी आप कोई बातें अपनी कह पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे, वहाँ आपकी लैंग्वेज काम नहीं आने वाली। तो इंग्लिश, और जितना बड़ा है नहीं, जितना बड़ा आप लोग बना देते हैं बोल के, वो इंग्लिश ऐसा वैसा, स्टार्टअप करिए, ताकि जब आप स्टेज पे जाएं कभी, तो आपका स्टार्टअप भी इंग्लिश से हो, एंडिंग भी हो। इवन कोशिश ये करें कि अपने हर शब्दों को आप उसमें कर पाए। उसका सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप लोग डेली पे जो हिंदी घर पे यूज करते हैं, उनको खुद से कोशिश करिए इंग्लिश पे ट्रांसलेट करने की, फिर करते करते एक आदत बन जाएगी, फिर पता चल जाएगा ना कि हम जो भी बात, जैसे मैं अभी जो भी बोल रहा हूँ, यही शब्द बोलना है, इन बोल बातों को मैं कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकूँ। तो ट्रांजेक्शन में भी, जनरल एंट्री में भी यही काम है, कि अगर आप ट्रांजेक्शन तभी कर पाएंगे जब आप क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन समझ गए तो एक भी क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि विजन कमेंस, कमेंस का मतलब क्या होता है, स्टार्ट। कमेंस का मतलब क्या होता है, स्टार्टअप। कोई पेन नहीं चलेगा, सबका सामने चेहरा दिखना चाहिए, वरना क्लास से बाहर। कमेंस का मतलब क्या होता है, स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। अच्छा, बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो कौन सा खाता बनाते हैं हम लोग, कौन सा अकाउंट, कैश और कैश अकाउंट। हाँ, कैश की जगह कभी कभी बैंक लेता अगर चेक की बात आती तो, लेकिन क्वेश्चन में कहीं ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। यानी पहले का ट्रांजेक्शन बनेगा कैश और कैपिटल बनेगा। कैपिटल हमेशा क्रिएट होता है, इसलिए कैपिटल से पहले हम टू शब्द लगा दे रहे हैं कि क्रिएट है। जब ये क्रिएट है, कैश क्या होगा, डेबिट। अमाउंट लिख लीजिएगा, ऊपर भी है और नीचे। कितने लोग का सही है पहला क्वेश्चन, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नीचे कर लीजिए, हो गया हो गया। अगला क्वेश्चन है, परचेज गुड्स है, क्या है, क्या परचेज के साथ किसी संपत्ति का नाम आया है यहाँ पे, नहीं। तो पहला अकाउंट क्या बनाएंगे, परचेज। अब जब ये डेबिट हो गया तो बाकी सारे क्रेडिट ही होंगे, ये बात बताया थे आपको। क्वेश्चन पढ़ते जो आपको मिल गया पहला अकाउंट, वो क्रेडिट डेबिट जो भी हो गया, उसके बाकी सारे अपोजिट ही होते हैं। तो परचेज डेबिट तो क्रेडिट कौन, या तो कैश या तो पार्टी का नाम। यहाँ पे कहीं कैश लिखा है, नहीं, उधार है, उधार है तो पार्टी का नाम। फिर कितने लोगों का सही है, अमाउंट लिख लीजिएगा, नीचे कर लीजिए, तुरंत नीचे भी कर लिया करिए आप। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग, क्या बनेगा, परचेज परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्योंकि कैश भी है परचेज है।
कहानी खत्म होगी। अगला क्वेश्चन, परचेज पहला बनेगा परचेज, डेबिट, दूसरा कैश क्रेडिट। अभिराम का नाम कई लोग लिख दिए होंगे, पता है मुझे, कोई नहीं लिखा है, कोई तो होगा अनिश, ठीक है ना अभिराम, पता है मुझे, मुझे पता है कहाँ गलतियां होंगी, झूठ नहीं है, फैक्ट बता रहा हूँ। नहीं अच्छी है, नहीं अच्छी, लेकिन मेरे मेरा सही हुआ ना, मैं जान रहा हूँ कि हाँ आप लोग गलतियां करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा कैश लिखा हुआ था, कैश लिखा है तो कैश का ही अकाउंट बनेगा। चलिए बोल रहा था। अगला क्वेश्चन है बॉट गुड्स, बॉट का मतलब क्या होता है, खरीदना, कौन सा अकाउंट बनाएंगे, परचेज, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, क्रेडिट कौन होगा, या तो कैश होगा या तो पार्टी का नाम होगा। क्वेश्चन में कहा है क्रेडिट, और क्रेडिट का मतलब उधार होता है, उधार होता है तो पार्टी का नाम लिखते हैं, पार्टी का नाम क्या है, यहाँ से कोई दिक्कत। अगला सेल्स का क्वेश्चन है, सोल्ड हो रहा है तो पहला अकाउंट सेल्स का बना लेंगे, टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट मिल गया तो यानी अब कौन होगा, डेबिट होगा, जो भी होगा डेबिट होगा, जो भी होगा सेल्स क्रेडिट हो गया तो बाकी सारे क्या होंगे, डेबिट होंगे, या तो कैश या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में कहीं कैश है, क्या लिख देंगे, तरुण, तो क्या कर देंगे, उसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सेल्स हुआ है टू सेल्स, क्रेडिट हो ही गया, टू लग गया तो डेबिट क्या होगा, कितने लोग का सही है, गलत हो गया क्या, सही है, चलिए अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए सोल्ड किया गया है, टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट होगा, डेबिट कौन होगा, उत्सव या कैश, दो चीज है तो उत्सव का नाम मतलब ही नहीं है जब कैश है तो। अगला सेल्स यानी टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट हो गया, डेबिट होगा, या तो कैश या तो पार्टी का नाम, क्वेश्चन में क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट है तो पढ़नों का नाम आ जाए। अब ये क्वेश्चन तगड़ा वाला, रिटर्न किया गया है गुड्स किसको, तो पहले तो हम ये सोचेंगे भाई रिटर्न किया गया है तो दो चीजें हो सकती हैं, तो परचेज रिटर्न या तो सेल्स रिटर्न, लेकिन पहचानेंगे कब, पार्टी का नाम बताएगा कि यहाँ परचेज रिटर्न होगा कि सेल्स रिटर्न होगा। ठीक बताइए वीरू सम किए क्या है, देखिए वीरू सम क्या किए हैं, परचेज किए हैं, यानी इसमें बात क्या आएगी, परचेज रिटर्न क्या आएगी। अच्छा परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होगा, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, टू लगा दीजिए कोई दिक्कत, ठीक है। अब डेबिट कौन होगा, या तो कैश या तो पार्टी का, या तो नगद वापसी हुई होगी, या तो, अरे भाई वापसी कैसे होगी, या तो नगद वापसी होगी या तो उधार वापसी होगी। ये देखिए कि आप वीरू से खरीदे कैसे थे, उधार की नगद, नगद है वो, नगद है कहीं, उधार दे रहे थे तो वापसी भी कैसी होगी, उधार होगी, और उधार में पार्टी का नाम लिखते हैं, कैश लिखते हैं, पार्टी का नाम, पार्टी का नाम क्या है, बस वीरू को डेबिट कर दिए। या ऐसे समझिए, ध्यान दीजिए इस ट्रांजेक्शन का एंट्री क्या बनाया था आप लोग, इसकी एंट्री साफ सामने देखिए, इसकी एंट्री क्या बनाया था आप लोग, परचेज डेबिट, परचेज डेबिट टू वीरू, यही बनाया था ना, और रिटर्न का मतलब होता है इसी ट्रांजेक्शन को उल्टा कर दीजिए, बस ये देखिए उल्टा ही तो किए हैं, परचेज डेबिट है परचेज क्रेडिट कर दिए हैं, वीरू क्रेडिट है तो वीरू को डेबिट कर दिए, क्या दिक्कत, अगर वीरू की जगह यहाँ कैश होता तो यहाँ पे भी कैश आया कि नहीं आया, कई लोगों का गलत हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन, गलत हुआ है किसी के नहीं, गलत हुआ है, हुआ है, हुआ है, सही करिए जल्दी से आप लोग, अब समझ में आ गया ना क्या गलती किए थे आप लोग, हाँ समझ में आ गई गलती क्या हुई थी ना, ट्रांजेक्शन उल्टा कर देना। चलिए एक और क्वेश्चन है, गुड्स रिटर्न किया गया है फ्रॉम तरुण के द्वारा, तरुण के द्वारा यानी तरुण ने आपको दिया है, अच्छा जब आपको दिया है, देने वाला तरुण है, तरुण कब आपको वापस सामान करेगा, जब आप उसको बेचे होंगे, या देख लीजिए तरुण से आप क्या किए हैं, तरुण से आप किए हैं सेल्स, क्या किए हैं, किए नहीं किए, अच्छा तो पहली चीज तो सेल्स रिटर्न आ रहा है, अच्छा सेल्स क्रेडिट होता है ना, सेल्स क्या होता है और सेल्स रिटर्न, पहले बना लीजिए सेल्स रिटर्न, रिटर्न और डेबिट कर दिया, तो अच्छा आप सामान वापसी होगी तो कैसे वापसी होगी, नगद या तो उधार, अब देखिए यहाँ पे नगद हुआ था उधार हुआ था, देखिए क्वेश्चन में कहीं कैसा है नहीं है ना, यानी उधार हुआ था तो यहाँ पे वापसी भी कैसी होगी, उधार उधार है क्या नाम लिखेंगे,
कितनों का सही है? चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोगों की गलतियां हो रही हैं, सही करिए, नहीं आ रही तो खड़ा होकर पूछ लीजिए भाई। सीधी सी बात है, इतना याद रखिए, कोई सामान वापसी कैसे होगी? जैसे खरीदे होंगे वैसे वापसी होगी। या समझिए, यहाँ एंट्री क्या बनाया था सेल्स वाले को? बनाया था टू सेल्स अकाउंट, रीड किए थे और डेबिट हो गया था तरुण, ही ना? हाँ देखिए, तो वहां रिटर्न वाले में क्या किए हैं, उल्टा तो किए हैं। देखिए, तरुण डेबिट और तरुण को क्रेडिट करती हैं और सेल्स क्रेडिट और सेल्स को डेबिट करती हैं, बस रिटर्न सब जोड़ते गए, ये हुआ है ना। तो और लास्ट है आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही देख लीजिए। मैंने कहा था जब भी पर्सनल यूज की बात आएगी, सबसे पहले अकाउंट क्या बनाएंगे? प्राइम मनी। क्या बनेगा? पर्सनल अच्छा यूज के लिए कौन सा खाता बनता है? और ड्राइंग क्या है? पूंजी घटाता है, बढ़ाता है, तो माइनस होगा प्लस होगा, माइनस का मतलब डेबिट होगी। तो क्रेडिट कौन होगा? तो या तो पर्सनल यूज के लिए आप कैश ले रहे होंगे, या तो सामान क्या निकल भाई, क्या लोगे बिजनेस से, क्या लोगे? या तो कैश लिए होगे पर्सनल यूज के लिए, या क्या लिए होगे? या तो सामान, और जब सामान लेंगे तो परचेज का अकाउंट बनेगा। देखो दोनों बातें समझा दी, मारेंगे दिमाग सही हो जाएगा, पहले सुन लो पहले। वापस पर्सनल यूज करोगी तो पहला खाता ड्राइंग बन जाएगा, ड्राइंग का बनेगा, डेबिट हो गया। अब क्रेडिट कौन होगा? सुनना, तो ड्राइंग यूज कर रही हो, अगर पर्सनल यूज कर रही हो तो क्या यूज कर सकती हो पर्सनल? या तो कैश लोगी बिजनेस से, या बिजनेस से सामान लोगी, और सामान लोगी तो परचेज का बनाएंगे, और पैसा लोगी तो कैश का बनाएंगे। यहाँ क्या लिया गया है? अच्छा, गुड्स अब क्यों परचेज का बना, वो भी रीजन है। आपके पास गुड्स कहाँ से आया होगा? फर्दे, तो आप फर्दे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वही तो लिखा हो, समझ में आ गई मेरी बात ना? अरे भाई, अपने बिजनेस से आप कोई चीज ले सकते हैं, खुद के लिए हम क्या ले लेंगे, जब पैसे निकाल लेंगे, सामान यूज करेंगे ही करेंगे, और सामान यूज करेंगे तो परचेज लिखेंगे, और पैसा यूज करेंगे तो पैसा लिखेंगे। लेकिन पहला अकाउंट क्या बनेगा? दोनों ही कंडीशन में, चाहे कैश भी हो तो भी ड्राइंग बनेगा, चाहे गुड भी हो तो भी ड्राइंग बनेगा, पहला अकाउंट ड्राइंग है बनेगा। आप ये बात किसी का सही नहीं होगा, नहीं तुम्हारी अच्छा बात अलग है, तुम्हारी बात नहीं। हाँ ठीक, इसी के लिए सारा इनाम था, भी लिखी नहीं थी। ठीक है, कोई बात हो गया नहीं, यहाँ तो कोई डाउट है क्या? देखो याद रखना, आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे, पर्सनल यूज पहला सारा ड्राइंग, कई बार थोड़ा घुमाना भी है, कुछ नहीं देता, लेकिन ड्राइव नहीं बनाए, बैंक से पैसा निकाल ले आप, किसी भी आप किस से निकाल ले, तो नहीं वहां पर आपके क्या बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, थोड़ा सोचने वाली बात होती है कई बार, क्योंकि पर्सनल यूज की बात भाई, खाते से पैसा निकालो किसी भी यूज के लिए निकाल सकते हैं, तो यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ, होमवर्क दे दिया जाए, ठीक है, काफी है तब होमवर्क के लिए भी। साइन भी करेंगे साइन, हाँ चेक करेंगे, 25 अप्रैल तक तो हुआ था ना? चलिए बहुत यूनिक है, 26 अप्रैल। ओके 26 अप्रैल से स्टार्ट करिए, 5 मई तक, 5 मई तक, 26 अप्रैल से 5 मई तक, बस इतना लिख लीजिए, बाकी अगली क्लास में देखा जाएगा। यही आपका होमवर्क है।